गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बढ़िया हूं मैं। हाँ नैन्सी, पूछिए आपका डाउट। आज हम लोग ये चैप्टर जो है फिनिश करने वाले हैं। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जय हिंद गुरु हर्ष कुमार गुलशन। हेलो नैन्सी। हाँ बेटा बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या होता है? कोरोगोनी मतलब होता है कि जैसे ये एक स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस है, या आप बोल सकते हो कि जैसे असेक्सुअल प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इससे स्पोर बनता है। कौन सा बोले? स्कीजोगोनी। स्कीजोगोनी जो है ये जैसे हम बोलते हैं कि जो मल्टीपल फिजन जो होता है ना, मल्टीपल फिजन, इसको स्कीजोगोनी नहीं बोलते, सीजोगोनी बोलते हैं, है ना। सॉरी की बात नहीं है बेटा, वो तो सीखने ही तो आए हम लोग। अगर तुमको सब कुछ आता तो यहाँ थोड़ी ना आते मेरे पास, है ना। सीजोगोनी मतलब होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन। हमने मल्टीपल फिजन पढ़ा था ना, उसी को सीजोगोनी बोलते हैं। ओके बेटा, चलिए। तो नैन्सी का डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग आज ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नेहा को चैप्टर नहीं, नोट्स नहीं मिला। नेहा आप जो है प्लीज एक बार फीड में कमेंट कीजिए कि मुझे नोट्स नहीं मिला। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई में स्पेशली आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम भूषण अटवार, मैं आप सबको नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे 12th बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। और हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। आज ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले सानिका, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, लेता हूँ कॉल में, ठीक है। नून क्लब, इसमें आपके बहुत सारे मिस्टर मिस्टर पॉपुलर, मिस्टर मिस्टर निंजा, देन उसके बाद द कॉन्क्यूरर टाइप के खिताब है जो आपको टीचर के दिए हुए होमवर्क और डेली क्विजॉन खेलने से मिलेंगे। द चैम्पियन, टीचर के डेली लाइव सेशन अटेंड करो, प्लेबैक्स देखो और होमवर्क टाइम पे सबमिट करो, ये आपको चैम्पियन बनाएगा। और मंथली टॉपर जो है टीचर के ब्रेकआउट और कंपटीशन को कंप्लीट करने वाला बंदा मंथली टॉपर बनेगा। बिल्कुल मेरी प्रीवियस क्लासेस कनक, बिल्कुल आपको मिल जाएगी, ठीक है। ट्विंस आना, बिल्कुल मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। आप बिल्कुल अपना डाउट बना के रखिए, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। मेगा क्विज महीने में एक बार होगा, सरप्राइज क्विज हर क्लास में होता है। और ये प्राइजेस है जो आप जीत सकते हैं। और उसके बाद जो है स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके आप जो है बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। ये लीडर बोर्ड है जो हमारे मिस्टर मिस्टर पॉपुलर के लिए लीड कर रहे हैं इन दिनों, करेक्ट। देन उसके बाद ये निंजा के लिए लीड कर रहे हैं बच्चे,
और ये कॉन्क्यूरर लीडर बोर्ड में नैन्सी जिन्होंने अभी बात किया, ये कॉन्क्यूरर लीडर बोर्ड पे अभी टॉप पे चल रही है। बिल्कुल जी हाँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमने मोनोकॉट डाइकॉट एम्ब्रियो देख लिया था, ठीक है, सीड को भी हमने देख लिया था, हमने सीड के बारे में बात की थी कि अल्बुमिनस सीड होता है, नॉन अल्बुमिनस सीड होता है, ठीक है, मोनोकॉट में भी और डाइकॉट में भी, ये पूरा हमने जो है देख लिया था। आज हम देखेंगे फ्रूट्स के बारे में, आज हम देखेंगे फ्रूट्स के बारे में, सीड का डेवलपमेंट हमने पूरा देख लिया था, ठीक है। तो फ्रूट्स जो है ये आपके सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और रुद्रा ने मुझे याद दिला दिया, ठीक है धोती से बांध के रखो, गुड, ठीक है। तो जो फ्रूट्स है, तीन टाइप के फ्रूट्स होते हैं, तीन टाइप के फ्रूट्स होते हैं। पहला फ्रूट जो है उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रूट, दूसरा फ्रूट जो है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा फ्रूट जो है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट, ठीक है ना। आप तीनों को समझ लेते हैं कि तीनों में क्या है। सबसे पहले सिंपल फ्रूट हम किसे कहेंगे, तो ये सिंपल फ्रूट जो है ये सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर से बनेगा। हम सभी जानते हैं ओवरी से फ्रूट बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो जब एक सिंगल फ्लावर के एक ओवरी से पूरा फ्रूट बन जाता है तो उसको अपन बोलते हैं सिंपल फ्रूट, करेक्ट। एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट हम किसको बोलेंगे, एग्रीगेट फ्रूट हम उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल फ्लावर होता है, सिंगल फ्लावर है ना, लेकिन उसमें मल्टीपल पिस्टल फ्लावर, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट हम किसे कहते हैं कि ये जो है पूरा का पूरा फूलों के गुच्छे से ही बन जाता है, मतलब फ्रॉम फ्रॉम द कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस मतलब कि आपका फूलों का गुच्छा, करेक्ट। ये तीन टाइप के फ्रूट्स होते हैं, सिंपल फ्रूट जो सिंगल ओवरी से बन रहा है, एग्रीगेट फ्रूट जो मल्टीपल पिस्टिल से बन रहा है, और कंपोजिट फ्रूट ये आपका पूरा का फ्लोरेसेंस से बन रहा है, करेक्ट। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ओके। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको जो है इसका एग्जाम्पल अगर दूं, तो देखो आप, एक मिनट मैं आपको एक बार क्लियर कर लेता हूं, ये देखिए यहां पर मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं जिससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अरे यार एक सेकंड, एक सेकंड, ओके।
ये देखिए ये मिल गया है ना, इससे आपको फ्रूट वाला कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए। ये देखिए ये है आपका फ्रूट्स, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो कि हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये सिंपल फ्रूट, ये एग्रीगेट, मल्टीपल, एक ही फ्लावर से बन रहा है, बहुत सारे पिस्टिल से बन रहा है, एक पिस्टिल से बन रहा है, बहुत सारे पिस्टिल से बन रहा है, और पूरे के पूरे फ्लावर के गुच्छे से बन रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और आपके कंपोजिट फ्रूट, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट, ठीक है। अब यहां पर एक फ्रूट होता है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, क्या बोलते हैं पार्थेनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को याद रखना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम किसे कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम उसे कहते हैं जो फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजर, फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे आपका, बहुत बढ़िया, किसने आंसर दिया, मनीष, वेल डन, है ना। आपका जैसे ग्रेप्स और बनाना भी है, बनाना जो है असल में ये सीडलेस फ्रूट है, ये सीडलेस फ्रूट है और ये नेचुरली है। तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि सीडलेस फ्रूट का नाम बताओ, तो आप क्या बता दोगे, बनाना, आप क्या बता दोगे, बनाना, ठीक है। अब जो कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये दो कंसेप्ट हमको समझने, बड़े ध्यान से समझना, चैप्टर का एंडिंग चल रहा है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। ठीक है, यहां पर देखो एपोमिक्सिस वर्ड को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद पॉलीएम्ब्रियोनी पे जाएंगे। एपोमिक्सिस मतलब क्या, ठीक है। अब एपोमिक्सिस मतलब होता है कि ये एक टाइप का ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये जो है मिमिक करता है किसके जैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे, ठीक है। रिपीट करता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। मिमिक मतलब पहले समझ लो, मिमिक यानी होता है मिमिक्री करना, मिमिक यानी क्या होता है, मिमिक्री करना। जैसे कई सारे जो कॉमेडियन होते हैं वो किसी बड़े एक्टर की मिमिक्री करते हैं, है ना। तो वैसा ही एपोमिक्सिस मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, मतलब वो लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, करेक्ट। और इसकी वजह से, इसी की वजह से जो है, इसी की वजह से प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तभी तो सीड बनता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे सीड बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, एपोमिक्सिस की वजह से, कि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सीड
विदाउट फर्टिलाइजेशन। पहले हम बोल रहे थे कि फर्टिलाइजेशन के बिना सीड नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बिना सीड बन रहा है। ऐसा जनरली किस में होता है? ग्रासेस में, घास में, करेक्ट। और जैसे एक और फैमिली है, सनफ्लावर फैमिली, जिसको हम बोलते हैं एस्टरेसी। इसमें जो है आपको एपोमिक्सिस देखने को मिलेगा, ठीक है, एपोमिक्सिस। अब कुछ बार क्या हुआ, जब एपोमिक्सिस साइंटिस्ट को समझ बनता है, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये तो जेनेटिकली डेड एंड है, जेनेटिकली डेड एंड है, मतलब इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, साइंटिस्ट ये मानने लग गए, करेक्ट। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उनको लगा कि ये चीज काम की हो सकती है। कहाँ काम की हो सकती है उसको समझो आप, एपोमिक्सिस कहाँ काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, करेक्ट। बेटा आप लोग जो है सानी का अगर काम के क्वेश्चन पूछो प्लीज, ये बातें करके सबको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। मुझे भी बार बार कमेंट की तरफ ध्यान जाता है, ठीक है, मुझे भी। जैसे हम आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे आगे कि ये एक क्रॉस, तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो हाइब्रिड बनता है। ये मान लो कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो किसान बीज खरीद के लाते हैं, मार्केट से बीज खरीद के लाते हैं। अब जो बीज खरीद के लाते हैं ना, वो सीड जो होते हैं ये हाइब्रिड सीड होते हैं। अब हाइब्रिड सीड जो होता है ये कैसा होता है, हाइब्रिड मतलब कि उसमें जैसे ये टी जो है, कैपिटल टी, ये टॉल हाइट के लिए जीन है, और स्मॉल टी जो है ये ड्वार्फ के लिए, मतलब छोटी हाइट के लिए जीन है मान लो। तो जो हाइब्रिड सीड रहेगा ना, इसमें ये वाला भी जीन रहेगा टॉल वाला, और छोटा वाला भी जीन रहेगा ड्वार्फ वाला, तो इसीलिए इसको हाइब्रिड सीड बोलते हैं। अब जब भी किसान हाइब्रिड सीड से फसल उगाएगा, तो उसके पास जो फसल आएगी है ना, उसमें कुछ फसल जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटेड होगी, क्योंकि इसमें दोनों हाइटेड वाले जीन आ जाएंगे, करेक्ट। कुछ फसल ऐसी रहेगी जो बीज के हाइट की रहेगी, हाइब्रिड, और कुछ फसल ऐसी रहेगी जो छोटी रहेगी, करेक्ट। फिर क्या होगा कि अब तो किसान को बुवाई के लिए हाइब्रिड सीड चाहिए, लेकिन उसके पास तो सीड कैसे है, मिक्स आ गए, तो वो अगले साल फिर से नया सीड परचेस करेगा, नया सीड जो है वो परचेस करेगा। तो इससे क्या होता है कि किसान का खर्चा जो है बढ़ जाता है। बस इसी प्रॉब्लम को साइंटिस्ट लोगों ने देख लिया, उन्होंने देख लिया कि भैया किसान जो है हर बार नया सीड उसको खरीदना पड़ रहा है, करेक्ट। अब इसी में उन्होंने एपोमिक्सिस का कंसेप्ट अप्लाई करने का सोचा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो सीड है इसमें एपोमिक्सिस वाला जीन डालने की कोशिश की। तो जीन फॉर एपोमिक्सिस इज इंट्रोड्यूस। अब अगर मान लो ये वाले सीड में एपोमिक्सिस वाला जीन जो है वो इंसर्ट कर दिया जाए, ये वाले सीड में जो कि हाइब्रिड सीड है आपका, तो इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये, क्योंकि सीड बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये हम जानते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पेरेंट जो है वो ऑफस्प्रिंग के जैसा ही होता है, क्लोन बनते हैं,
जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए ये वाले सीड से जो सीड बनेगा वो कैसा बनेगा, इसी का क्लोन बनेगा, इसी का क्या बनेगा, क्लोन बनेगा। तो ये एपोमिक्सिस वाला जीन जो है इस सीड में इंसर्ट करेंगे, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि मेंटेनिंग हाइब्रिड नेचर ऑफ सीड। अब हाइब्रिड नेचर का ही सीड इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास जो सीड है और इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, करेक्ट बात समझी। कोशिश पूरे वर्ल्ड में चालू है कि एपोमिक्सिस जीन को कैसे सीड में इंसर्ट कर दिया जाए जिससे कि सीड से सिया और दोनों सीड जो है बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे, क्योंकि एपोमिक्सिस में या इट्स F1 जनरेशन F1 हाइब्रिड। जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा पूरा क्लियर समझाऊंगा एकदम, ठीक है। अगर ये बात समझ में आई होगी एपोमिक्सिस तो कमेंट में लिखो एपोमिक्सिस। क्या लिखो, एपोमिक्सिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर आप पढ़ते चलोगे और ऐसे अगर आपको समझ में आते रहा तो कोई दुनिया की एग्जाम नहीं है जो आपको बायोलॉजी में फेल कर दे। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। किसके बारे में, पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में, ठीक है। ये देखो पॉली, पॉली मतलब कई कई सारे, और एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। तो जैसा ये एक सीड अगर है, ये एक सीड है तो इसके अंदर कई सारे एम्ब्रियो, इसको अपन क्या बोल देंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो विद इन अ सिंगल सीड, विद इन अ सिंगल सीड, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी, करेक्ट। ये आपके क्या है, ये है एम्ब्रियो, तो ऐसे वाली कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, करेक्ट। अब ये पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन जो है डेवलप कैसे हो रही है, तो सबसे पहले जो है उसका नाम है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोन, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है कि जैसे जायगोट बना, ये आपका क्या है, जायगोट, जो कि 2N है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन गया। अब इसके बाद जो है ये जायगोट जो है डिवाइड हो जाएगा, ये चार सेल में डिवाइड हो गया, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, करेक्ट। अब ये वाला भी एक एम्ब्रियो बना देगा, ये वाला भी एक एम्ब्रियो बना देगा, ये वाला भी एक एम्ब्रियो बना देगा, और ये वाला भी एक एम्ब्रियो बना देगा, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे एक ही सीड के अंदर, करेक्ट। ऐसा जनरली देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म, जैसे आपका पाइनस, पाइनस, ठीक है, बात क्लियर। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी समझ में आएगा तो कमेंट में लिखो क्लीवेज, क्लीवेज। मैं ठीक है, अब दूसरा जो टाइप है वो है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, ध्यान से देखना, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है।
इसमें जैसे एग्जाम्पल इसका आ जाता है आपका मस्टर्ड, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा मस्टर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक ही ओविल के अंदर, एक ही ओविल के अंदर, ये मान लीजिए आपका है ओविल, तो एक ही ओविल के अंदर कई सारे एम्ब्रियो सैक रहेंगे। ये सब क्या है, ये सब है एम्ब्रियो सैक। एक ही ओविल के अंदर कई सारे एम्ब्रियो सैक अगर प्रेजेंट रहेंगे और ये सभी एम्ब्रियो सैक जो है गेट फर्टिलाइज्ड, तो कई सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। अगर ये समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो ट्रू। हाँ, सैक मींस बैग, है ना, तो एम्ब्रियो सैक होता है, करेक्ट, ट्रू। एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। फिर है मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, तीसरा टाइप क्या है, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी मतलब इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। इसका एग्जांपल है आपका क्या नाम है उसका, आर्जिमोन, आर्जिमोन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है कि मिक्स पॉली एम्ब्रियोनी किसको बोलेंगे, इसमें क्या होता है कि एग जो है, एग तो फर्टिलाइज होना ही होना है, उसके साथ में सिनर्जिड्स एंटीपोडल सेल ये भी फर्टिलाइज हो जाते हैं, करेक्ट, और वो क्या बना देते हैं, एम्ब्रियो बना देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे हम सब जानते हैं कि जो एग सेल होती है वो तो फर्टिलाइज हो ही रही है, उसके साथ में जो है उसके आसपास की सेल जैसे आपकी सिनर्जिड ये भी फर्टिलाइज हो जाती है, एंटीपोडल सेल ये भी फर्टिलाइज हो जाती है, करेक्ट, और ये सब जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है, ये सब जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं, नहीं एक सिनर्जिड तो पोलन ट्यूब के चक्कर में बलि चढ़ जाएगा, एक सिनर्जिड उत्तम, एक सिनर्जिड, एक तो बलि चढ़ जाएगा जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करेगा, ठीक है, दूसरा वाला जो बचा रहेगा वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, मिक्स पॉली एम्ब्रियोनी। हंसते हो यार आप लोग। अब चौथा जो टाइप है उसको अपन बोलते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। इसका मतलब क्या है, ये जनरली आपको जो है सिट्रस फ्रूट और मैंगो इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जो स्पोरोफाइटिक टिश्यू होती है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू मतलब कि जैसे न्यूसेलास इंटेगुमेंट वो सब भी जो है प्रोलिफरेट होने लगती है, प्रोलिफरेट यानी यू कैन से दैट फलना फूलना, है ना, दूधो फलो बोलते थे ना, आशीर्वाद देते थे, मतलब प्रोलिफरेट हो ऐसा आशीर्वाद देते थे बड़े बुजुर्ग पहले जमाने में। तो स्पोरोफाइटिक टिश्यू जो होती है जैसे कि आपका न्यूसेलस हो गया, इंटेगुमेंट्स हो गया, ये सब जो है प्रोलिफरेट होना शुरू होती है और एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देती है, और ऐसे एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियो बोलते हैं, करेक्ट। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां पे जो है एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर्स फर्टिलाइज हो रहे थे, लेकिन यहां पर जो है आपके
स्पोरोफाइटिक टिश्यू, कौन सा? स्पोरोफाइटिक टिश्यू। स्पोरोफाइटिक टिश्यू मतलब कि जैसे आपका हो गया न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स, ये क्या करते हैं? दे प्रोलिफरेट एंड फॉर्म दी एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोल देंगे एडवेंटिव एम्पोली एम्ब्रियोनी। अगर ये समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो एडवेंटिव। क्या लिखोगे? एडवेंटिव। क्या लिखोगे? एडवेंटिव। ठीक है, हाँ भाई अंसारी जी, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात जो है वो नोट कर लो। कौन सी नोट कर लो? धोती से बांध भी लेना कि एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो बनता है उसमें सस्पेंसर अब्सेंट होता है। क्या होता है? सस्पेंसर अब्सेंट होता है। सस्पेंसर हमने कल देखा था। ठीक है, अब भाई इतने सारे एम्ब्रियो, आप बोलोगे सर एक ही बीज के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हैं, एक ही बीज के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसा बीज तो बहुत काम का है, एक बीज लाओ और उसमें जो है वो बीज को जमीन में लगा दो और उससे जो है उसके अंदर अगर 20 एम्ब्रियो होंगे तो 20 प्लांट निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दादा। पॉली एम्ब्रियोनी वाला सीड जो होता है, हालांकि उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, लेकिन आप ऐसे सीड को अगर जमीन में लगाओगे तो उससे जो है एक ही पौधा निकलेगा, एक ही प्लांट निकलेगा। करेक्ट, एक ही प्लांट निकलेगा, ये बात आप ध्यान में रख लो। तो फिर ये पॉली एम्ब्रियोनी कंसेप्ट का फायदा क्या? ये पॉली एम्ब्रियोनी कंसेप्ट का फायदा क्या? तो इससे क्या होता है कि देखो, पॉली एम्ब्रियोनी का फायदा बता रहा हूं मैं आपको कि हमने बोल दिया कि ये एक सीड है, ये एक सीड है, सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हैं। अब ये एम्ब्रियो अलग अलग तरह से बने हैं। अभी मैंने बताया कुछ जो है जायगोट के डिवीजन से बने हैं, है ना, और बहुत सारे चीज़ों से बने हैं, अभी अपन ने देख लिए। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, एक जायगोट से बन गया है, एक आपका एम्ब्रियो सैक से बना है, बहुत सारे एम्ब्रियो सैक होते हैं, फिर कई सारे जो है सिनर्जिड एंडीपोडल सेल एग से बन गए हैं, कई सारे जो है स्पोरोफाइटिक टिश्यू मतलब न्यूसेलस और इंटेगुमेंट सेल भी बना देते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या फायदा करते हैं कि हम ये सीड में से ये जो एम्ब्रियो है इसको निकालते हैं। ये मैंने एम्ब्रियो को बाहर निकाल लिया, समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो बोले तो कमेंट में लिखो ओके। और इसके ऊपर क्या करता हूं मैं जो है लेप लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? एक लेप लगा देता हूं, देख रहे हो? अब ये लेप काय का है कोई बताएगा? ये लेप काय का लगा रहा हूं मैं? ये जो ग्रीन कलर का लेप है, ये लेप को हम बोल रहे हैं कैल्शियम अल्जिनेट। क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम अल्जिनेट। तो हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को बाहर निकालते हैं और उसको उसके ऊपर लेप लगा देते हैं। लेप लगाने की जो प्रोसेस है उसको डराने वाली भाषा में बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। सो द एम्ब्रियो फ्रॉम द पॉली एम्ब्रियोनिक सीड इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब निकाल दिया, इज आइसोलेटेड एंड एनकैप्सुलेटेड विथ कैल्शियम
एल्जिनेट विथ कैल्शियम एल्जिनेट एंड एज अ रिजल्ट आर्टिफिशियल सीड इज फॉर्म. आर्टिफिशियल सीड जो है वो बन जाता है. अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो आर्टिफिशियल सीड. कमेंट में लिखो आर्टिफिशियल सीड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना. तो यहां पे हमारा ये वाला चैप्टर हुआ समाप्त. ये वाला चैप्टर हुआ समाप्त, करेक्ट. ये वाला चैप्टर खत्म हुआ. हेलो मोहनलाल. हाँ मोहनलाल, गुड इवनिंग. बाकी जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो लिमिटेड होता है. सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो न्यूट्रिटिव सेल्स लगती है ना, वो लिमिटेड होती है. इसकी वजह से खाना कम रहता है तो बच्चा एक ही बच पाता है. सब बच्चे नहीं बच पाते हैं, है ना. अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई. अच्छा ये बताओ, एम्ब्रियो को जब प्लांट बनता है, सीडलिंग जब बनता है, मतलब पौधा जब बनता है एम्ब्रियो से, तो उस समय एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है? तो एंडोस्पर्म लिमिटेड होता है, वो सभी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं दे सकता. समझ गए बात अब? हाँ, मुझे लगा आप समझ जाओगे यार, इसलिए मैं शॉर्ट में आंसर दिया, तुम निपटा दिए मेरे को. हेलो ऋषि, ऋषि खंडेलवाल. हेलो. हाँ जी ऋषि जी, कहिए. बनाना. हाँ मतलब बनाना को बनाएंगे कैसे, मतलब नहीं समझा हूं मैं. अरे तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही बनेगा ना, लेकिन उसमें सीड नहीं बनता है. बस यही बात है, उसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन उसमें सीड डेवलपमेंट नहीं होता. मतलब आप जो है केले का बीज नहीं लगा सकते, केले का पेड़ बीज से नहीं हो सकता, पेड़ से पेड़ हो जाएगा. हाँ है ना, मतलब सीड नहीं होगा, सीड नहीं होगा तो आप सीड से उसको ग्रो नहीं कर सकते, बस यही बात है. हाँ मतलब आप जो है उसका जो पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो पूरा वैसा का वैसा ही होगा. अरे भाई कई टॉपिक ऐसे हैं, कई टॉपिक ऐसे हैं कि इसको जो है मैं बाहर से भी बता रहा हूँ, और ये नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आप अरे आप एक ही दिन में सब क्वेश्चन पूछ लोगे, दूसरों को चांस दोगे नहीं दोगे? हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? अब जैसे फॉल्स फ्रूट जो है, फॉल्स फ्रूट हम उसको बोलते हैं कि जो ओवरी से नहीं बना है. जैसे कोई फ्रूट जो है वो रिसेप्टेकल से बन जाता है,
रिसेप्टेकल जानते हो, जो नीचे में थैलेमस होता है फ्लावर के नीचे, वो है ना। और ट्रू एग्जैक्टली आपके ओवरी से बनता है। सानिका कॉल करो, सानिका क्वीन साना कॉल कीजिए बेटा। वो जो पंजा दिख रहा है ना, पाम का साइन जो दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। ब्रेकआउट होगा, बिल्कुल होगा। हेलो सानिका, बताइए। हाँ बताइए सानिका। हाँ कैल्शियम एल्जिनेट से एनकैप्सुलेट करने से ना वो डिहाइड्रेट नहीं होता है, मतलब उसके अंदर का पानी नहीं उड़ता है, जिससे एम्ब्रियो जो है वो बचा रहता है। समझ गए? हाँ ओके। आप कौन थी? क्वीन साना प्लीज कॉल, फिर बोलोगे कि बिल्कुल ब्रेकआउट ले रहा हूँ मैं बेटा। हाँ आप बिल्कुल उत्तम, बिल्कुल सही बोले आप। हेलो क्वीन साना, हेलो क्वीन साना, हेलो बेटा बात करो। हेलो हेलो क्वीन साना, गुड इवनिंग। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे थे बात करने में? अच्छा बताइए, आप बेटा फीड वाला जो सेक्शन है ना, उसमें सब बच्चे कुछ कुछ पूछे हैं, किसी ने कोई इमेज पोस्ट किया है, कुछ किया है, उसमें आप ना एक बार देखिए जो मेरा पोस्ट है। मैंने 3 बार नोट्स पोस्ट किए हैं, 3 बार आपको मिल जाएगा। नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, कौन ब्लॉक कर रहा है? अब मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है, ये वाला काम हमारा नहीं है। एक बार आप कस्टमर केयर में पूछ लेना, ठीक है? हाँ चलिए आप क्वेश्चन लीजिए।
ओके, तो यहाँ पर टॉप पर है आयुष नाथ। आयुष नाथ 2100 पॉइंट के साथ टॉप पर है। सेकंड है शुभम सिंह, फिर है शाश्वत सिंह, देन उसके बाद अनुष्का जैन, सानिका सोनी, स्टूडेंट, ऋतुजा, मानसी, तबस्सुम, पायल, मोहनलाल, शिल्पा, रोहित। ये नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सेकंड पोजीशन की बता रहा हूँ मैं। सेकंड पोजीशन पे शुभम, शाश्वा, अनुष्का, सानिका और स्टूडेंट, ये जो है सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे है ऋतुजा, मानसी, तबस्सुम, पायल, मोहनलाल, शिल्पा, रोहित। ये तीनों जो है, ये सब जो है थर्ड पोजीशन पे है। करेक्ट। टीम में सब सो गए? अरे कोई बात नहीं स्टूडेंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऋतुजा। देखो ये तो क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए है ना? ठीक है, चलिए आज की क्लास से अपन फिनिश करते हैं। कल हमसे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ओके, कल शाम को 7 से 8। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।